उदाहरण 6, मान ज्ञात कीजिए। कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। उदाहरण 6 में त्रिकोणमिति अनुपात व्यंजक के तौर पे लिखे गए हैं, जिसमें कोणों के मान हमको रखने होंगे और कोणों के मान रखकर हम उस व्यंजक का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ हमको दिया है cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। इसका मान हमको ज्ञात करना है। इसका मान क्या होगा? क्या आपको cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री, sin 60 डिग्री और sin 30 डिग्री के मान पता है? यदि इनके मान पता है तो हम इस व्यंजक का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए ये मान हम रखकर गणना करें। तो cos 60 का मान कितना होता है, इसको हल करने के लिए हम पहले ऐसे लिख लें, cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और cos 30 डिग्री का मान आप त्रिकोणमिति सारणी में जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा वर्गमूल 3/2। इसी तरह से sin 60 डिग्री अर्थात sin 60 अंश का मान हम देखेंगे तो ये मिलता है हमको वर्गमूल 3/2, और sin 30 डिग्री अर्थात sin 30 अंश का मान हम जानते हैं 1/2। यहाँ आप अंश और अंश का गुणा कर दीजिए और हर 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 का गुणा कर दीजिए, तो यहाँ आपको मिलेगा वर्गमूल 3 और 2 × 4 धन। ऐसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा, ये वर्गमूल 3/4। अब ये दो ढंग से इसको हल कर सकते हैं, ये एक बार है और एक बार और है, मतलब ये दो बार है। ऐसा भी हम सोच सकते हैं और लिख सकते हैं कि दो बार वर्गमूल 3/4 दिया है, या हम इसके लघुत्तम समापवर्तन निकाल कर भी इसको जोड़कर लिख सकते हैं। तो दोनों ही ढंग से काम जब हम करेंगे तो परिणाम एक ही आएगा, एक जैसा परिणाम आएगा। तो यहाँ पर 4 और 4 है, दोनों का लघुत्तम 4 हो जाएगा, और इससे भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का गुणा इससे हो जाएगा, तो ये वर्गमूल 3। ऐसे ही इस 4 से इस 4 को भाग किया, 1 आया, 1 का गुणा इसके अंश से किया, तो वर्गमूल 3 से 1 का गुणा हुआ तो वर्गमूल 3 आया। अब वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3, मतलब इसको लिखा है वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 3, मतलब दो बार है ये, तो जोड़ दिए इसको, दो बार आया, तो इसको लिख दिया हमने 2 बार वर्गमूल 3 ऐसे, और 4। अब ये सरल हो सकता है, सरल कि 2 से हम 4 को सरलीकृत कर सकते हैं, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। तो यहाँ से जब हम ऐसे करेंगे 2 × 2 = 4, तो ये लिखा जाएगा अब वर्गमूल 3/2, और यही हमारा उत्तर है। हमने cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री का मान ज्ञात किया, और यही हमारा उत्तर है।